दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक नॉलेज विद अविनाश में। दोस्तों, टिकटॉक बैन होने के बाद रोज़ कोई ना कोई ऐप लॉन्च होता ही है। दोस्तों, इसी बीच इंस्टाग्राम ने भी एक फीचर अपडेट किया है इंस्टाग्राम रील्स के नाम से। दोस्तों, इसमें जो है आप टिकटॉक के जैसा ही वीडियो देख सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और वीडियो क्रिएट करके टिकटॉक के जैसा ही आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो है इंस्टाग्राम रील्स को कैसे ओपन करेंगे, आप जो है कैसे इंस्टाग्राम रील को ओपन करेंगे और कैसे आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कैसे आप एडिट करेंगे और कैसे आप वीडियो अपलोड करेंगे। दोस्तों, ये सभी आप जानने के लिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दे ताकि हमारी जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इंस्टाग्राम रील्स ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आपका अकाउंट इंस्टाग्राम पे नहीं है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। सिंपली आपको इंस्टाग्राम को, अगर आपका पुराना वाला इंस्टाग्राम है तो सबसे पहले उसको अपडेट कर लेना है। सबसे पहले हम चलते हैं इंस्टाग्राम में। दोस्तों, यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन करना है। इंस्टाग्राम जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह का जो है आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है आपको नीचे जो सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली यहाँ से जो है आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। दोस्तों, जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का जो है आपको इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ जो फर्स्ट पे जो वीडियो आ रहा है और यहाँ रील्स वाले ऑप्शन भी यहाँ पर रील्स लिखा हुआ आ रहा है। तो सिंपली आपको दोस्तों इस पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं जो टिकटॉक की जैसा ही है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो यहाँ पे आ गया है। दोस्तों, इसमें जो है टिकटॉक के जैसा ही कई सारे दोस्तों इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला जो यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर यहाँ पे वीडियो का प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वीडियो पे डबल टैप करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हर्ट वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों आप वीडियो को जो है यहाँ पे वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है या वीडियो पे आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में आप जिसे भी फॉलो करते हैं, जो भी आपका फ्रेंड है, यहाँ से दोस्तों आप सेंड पे क्लिक करके उस पर जो है यहाँ पे वीडियो सेंड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे जो है आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसमें जो है पहला ऑप्शन है हाइड का दोस्तों, उसके बाद जो है सेकंड ऑप्शन है रिपोर्ट का। दोस्तों, आप इस वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन है कॉपी लिंक का, दोस्तों आप जो है इससे वीडियो का लिंक कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट ऑप्शन है सेव का, इसमें दोस्तों आप जो है इस वीडियो को सेव कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों जो ऑप्शन है इसमें आप इसमें टोटल जितने भी इस वीडियो पर लाइक मिला है यहाँ पे आपको लाइक शो करेगा। उसके बाद दोस्तों जो है कमेंट भी यहाँ पे शो करता है। अब दोस्तों बात आती है कि आप जो है इसमें वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ऊपर जो यहाँ पे कैमरा वाला आइकन यहाँ पे दिख रहा है, सिंपली आपको कैमरा वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे कैमरा वाला आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे भी आपको कई सारे ऑप्शन वीडियो रिकॉर्ड एडिट करने के रिकॉर्ड करने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से दोस्तों सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन ऊपर जो है फ्लैशलाइट यहाँ से दोस्तों ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है म्यूज़िक वाला जो सिंबल है, यहाँ से दोस्तों आप जो है म्यूज़िक अपने वीडियो में अलग अलग जो है यहाँ पे आप वीडियो जो है इसमें अपलोड अपने वीडियो के लिए जो है म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों आप इसमें जो है वीडियो के स्पीड को बढ़ा और घटा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको इफेक्ट का मिल जाता है, इसमें दोस्तों आप अपने वीडियो के लिए अलग अलग इफेक्ट भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन है जो कि काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। दोस्तों, आप इसमें जो है टिकटॉक में जो आपको मिलता था सेम उसी तरह से जो है यहाँ पे मिल जाता है, जो आप जिस भी टाइम को वीडियो आप जितने टाइम का वीडियो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अलग अलग आपको देखने को स्टाइल मिल जाएगा, जिस भी आपको अलग अलग इफेक्ट में वीडियो अपलोड करना है यहाँ से दोस्तों आप अलग अलग वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसमें जो दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप प्लस वाले आइकन पर नीचे क्लिक करते हैं तो इसमें दोस्तों आपके फाइल में जितने भी वीडियो हैं सेलेक्ट करके कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा का ऑप्शन है। दोस्तों, इसी तरह से जो है आप अपने
इंस्टाग्राम रील्स में वीडियो रिकॉर्ड करके, वीडियो एडिट करके वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप वीडियो इसमें अपलोड नहीं कर सकते हो तो आप इसमें वीडियो काफ़ी सारा आपको इसमें वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप अलग अलग वीडियो देख भी सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा आपको जो है काफ़ी सारा इसमें जो वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसे आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँचे।